दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज ऑन हिज डेथ बेड। ये कहानी उस इंसान की है जो मृत्युशैया पे है, हु इज काउंटिंग हिज लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डजंट गेट अप, ही इज नो मोर। उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली उस डेड बॉडी को जब वहां से हटाते हैं, उस इंसान के तकिए के नीचे अंडर द पिलो ऑफ दैट मैन दे फाइंड अ बुक। यस, यू हर्ड मी राइट, दे फाइंड अ बुक। उन्हें एक किताब मिलती है। एट द एज ऑफ 61 दैट मैन इज ट्राइंग टू अपग्रेड हिज नॉलेज, इनहेंस हिज स्किल्स एट द एज ऑफ 61। एंड यू नो वॉट, दैट मैन इज नन अदर दैन द 26th President of the United States of America, that is Theodore Roosevelt. नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट कोच और ब्रेकथ्रू स्ट्रेटजिस्ट, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और टुडे आई एम गोइंग टू रिवील 5 books which you must read। 5 ऐसे किताबें मैं आपको बताऊंगा, छठी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई रियली मीन इट, 5 किताबें बताऊंगा, छठी किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बिफोर आई रिवील दोस 5 books, लेट मी टेल यू वन थिंग, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ने का क्या महत्व है सर? बहुत सारा महत्व है, ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर मैं सारे बेनिफिट बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर हम जल्दी जल्दी में समझें तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किताबें पढ़ते हो तो आप हैप्पी रहते हो, क्योंकि एक रिसर्च ने बताया है व्हेन वी रीड बुक्स, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उससे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, ये 4 हैप्पीनेस का केमिकल्स होता है, ये रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो कम होता है, रिसर्चेस बता रही हैं ऐसा। सेकंड इंफॉर्मेशन मेरे पास है दैट 2015 का इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि इंडिया का बुक मार्केट 2020 के एंड तक $739 बिलियन का हो जाएगा। Yes, you heard me right. $739 बिलियन का वो इंडिया का बुक मार्केट होने जा रहा है by the end of 2020। सभी भारत के यूथ्स जाग चुके हैं, सभी लोग में अवेयरनेस आ चुकी है, ऑल ऑफ देम आर रीडिंग बुक। Ask yourself, अपने आप से पूछिए क्या आप किताब पढ़ रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए। देखिए, एक सीईओ ऑन एन एवरेज 65 books पढ़ता है पर ईयर। एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हर 15 डेज में एक बुक पढ़ता है। बिल गेट्स, सभी लोग जानते हैं बिल गेट्स को। बिल गेट्स ऑन एन एवरेज रीड्स 500 पेजेस ऑन एन एवरेज पर डे। बिल गेट्स रीड, आप वॉरेन बफे के बारे में रीडिंग हैबिट्स पता करें। वॉरेन बफे क्लेम्स दैट ही इज सक्सेसफुल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ हिज रीडिंग हैबिट्स। सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट्स को लेकर वॉरेन बफे इतने सक्सेसफुल है। और बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं अगला नाम दूं तो ओपरा विनफ्रे के बारे में हर महीने किताब पढ़ती हैं। अगर मैं अगला नाम दूं तो मार्क जुकरबर्ग हर 15 दिन पे किताब पढ़ते हैं। ओके, एनीबॉडी हु हैज डन एनीथिंग ग्रेट इन हिज लाइफ, आई एम श्योर, और उस हैबिट, बहुत कॉमन हैबिट होती है सभी में, और उस हैबिट का नाम है बुक रीडिंग। आज मैं आपको 5 किताबें बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, घंटा मार दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पहली बुक है दीपक चोपड़ा की The 7 Spiritual Laws of Success. I am telling you, this is a pocketbook guide to fulfilling your dreams. आप कैसे अपने dreams को fulfill कर सकते हैं spiritually? Look guys, हम सभी लोगों को life में 5 kinds of strength we need. Emotional strength, physical strength, mental strength, spiritual strength and financial strength. 5 प्रकार के strength की जरूरत पड़ती है, और 5 प्रकार के strengths को कैसे आप powerful कर सकते हैं उसमें किताब के बारे में बताया गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें एक लॉ ऑफ डिटैचमेंट है, आप उसको जरूर पढ़ें, पूरी की पूरी किताब पढ़ें। द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, द लॉ ऑफ कर्मा और कॉज एंड इफेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। और आप इस बुक को अभी के अभी ऑर्डर करें और पढ़ें। सेकेंड बुक मेरे पास है, जिस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये जबरदस्त बुक है। मैंने इस बुक को 2017 में 30 मार्च को मैंने खत्म किया था और दुर्गा पूजा के हॉलीडे में। और ये बुक कमाल है। 1936 में डेल कार्नेगी ने कुछ प्रिंसिपल्स रिवील किए थे, कुछ प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए थे जो इन्होंने इंटरव्यू लिया था बड़े बड़े लोगों का। एंड ही टुक एन इंटरव्यू एंड इन दैट इंटरव्यू यू नो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को निकाला, बहुत सारे ऐसे उन्होंने
रूल्स निकाले, कार्डिनल रूल्स निकाले, व्हेन वी मीट एंड इंटरेक्ट विद पीपल, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमें इनके प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। कैसे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, कैसे हम लोगों को इम्प्रेस कर सके, कैसे हम उनके दिल में जगह बना सके, बहुत अच्छी किताब है। कोई ऐसा सीईओ नहीं होगा जिसने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा। थर्ड बुक, सेवन स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बाय जिम रॉन। ये तीसरी किताब जिम रॉन साहब की है। जिम रॉन अमेरिका के बहुत बड़े सेल्फ हेल्प कोच रह चुके हैं, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी किताबें बहुत चलती हैं, और उन्होंने इस बुक में सेवन स्ट्रेटजीज को रिवील किया है, जिसमें उन्होंने गोल मैनेजमेंट की बात की है, नॉलेज मैनेजमेंट की बात की है, चेंज मैनेजमेंट की बात की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की है, टाइम मैनेजमेंट की बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिम रॉन ने किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट किया है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए हैं, सो दैट वी कैन राइज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड अचीव द नोबलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। थैंक यू। ये नेक्स्ट बुक है, आप जानते होंगे इनके बारे में, सुने होंगे इनके बारे में, इनका नाम है शिव खेड़ा, इनकी बुक है यू कैन विन, अमेजिंग बुक है। ये सेल्फ हेल्प की लिस्ट में टॉप पे रहती है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, और ये बुक 3.9 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है। 3.9 मिलियन कॉपीज, वुड यू बिलीव इट? और स्टेप बाय स्टेप टूल फॉर टॉप अचीवर्स, दिस बुक आई रेड इन द ईयर 2008 एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम स्टिल रीडिंग दिस बुक। ये बुक जितना बार आप पढ़ोगे आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना मजा आएगा, उतना सारा नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल्स, आपका हैबिट, बहुत सारे एरियाज आपके क्या होते हैं, इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज अ वंडरफुल बुक। अगर आप मुझसे पूछे अभिषेक सर, भाई अभिषेक, दोस्त अभिषेक, कोई एक किताब बताओ मेरे भाई, बाकी सारी किताब उसके सामने फेल है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक मेरे लिए बाइबल है। अब्दुल कलाम साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सारी किताबें इनकी इग्नाइटेड माइंड, फोर्ज योर फ्यूचर, टर्निंग पॉइंट्स, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन बाय अब्दुल कलाम साहब। और इन्होंने इसमें कैसे फेलियर को हैंडल करें, फिर कैसे हम लोग लीडर्स बने, कैसे हम लोग फियर को कंक्वर करें, कैसे हम लोग करेज को डेवलप करें, करेज टू थिंक डिफरेंट, करेज टू इन्वेंट, करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल, करेज टू डिफीट द प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, सभी पॉइंट्स को उन्होंने टच किया है। तो ये 5 बुक्स है, और मैं आप सभी लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अभी के अभी आप इसको ऑर्डर करें, अभी के अभी, राइट नाउ ऑर्डर ऑल दीज बुक्स इमीडिएटली। और बुक्स ऑर्डर करने के बाद पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़े लिखे होने से बेहतर होता है पढ़ते लिखते रहना। हमेशा बुक रीडिंग करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑन एन एवरेज पर डे मैं 40-50 पेजेस की रीडिंग करता हूं, और बहुत सारे बुक्स मैं पढ़ चुका हूं। मुझे लगता है कि 400-500 बुक्स तो मैं जरूर पढ़ गया हूंगा, मैंने काउंट नहीं किया है एग्जैक्टली, बट हाँ, आप बुक्स को पढ़ें और एक एक लाइन को आप अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, उसको जाके अप्लाई करें, बिकॉज यू नो इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बहुत सारी दे दी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टिल देन वी शैल फाइंड द वे व्हेन देयर इज नन, we shall make one when there is none, braving fear of it and nature, we shall convert future. Till then, apna khayal rakhiye, aur wo bahut jaldi agli video mein milenge. Till then, take care, bye bye. Subscribe karna mat bhulna.